गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 12, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो इस चैप्टर में हम प्लांट में होने वाली रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के बारे में स्टडी करेंगे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द वेरियस लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा इन ऑर्गेनिज्म। तो हम जीवों में होने वाले इन सभी प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देयर इज एट अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज इसेंशियल टू सस्टेन एंड कंटिन्यू लाइफ ऑन अर्थ। तो पृथ्वी पर जीवन को कंटिन्यू होने के लिए एक और प्रोसेस है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम प्लांट्स में होने वाले रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन, द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू लिविंग बींग सिमिलर टू देमसेल्व्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है क्या। जब कोई प्राणी अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे इंसानों के बच्चे बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं, गाय के बच्चे गाय के जैसे एंड डॉग्स के बच्चे डॉग्स के जैसे। सो अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करने की जो एबिलिटी होती है, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हेल्प्स, तो रिप्रोडक्शन से प्रकृति में किन किन चीजों को चीजों के लिए हेल्प मिलती है। इन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। इन सर्वाइवल एंड इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज, मतलब किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल और साथ ही साथ उनकी संख्या के बढ़ने के लिए। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक प्लेस इन टू वेज। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो है वो दो तरीके से संपन्न होती है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की वो प्रक्रिया जिसमें जीव बिना किसी दूसरे जीव के हेल्प के अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करता है, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग सीड और स्पोर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उसके अंतर्गत क्या होता है, बिना बीजों के या बिना स्पोर्स के एक नया प्लांट बनता है। प्लांट्स लाइक रोज, शुगर केन, पोटैटो एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इन सभी प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द वेरियस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एस फॉलोज। सबसे पहला है बाइनरी फ्यूजन, नेक्स्ट है बर्डिंग, देन है स्पोर फॉर्मेशन, देन है फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन, नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी फ्यूजन के बारे में। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा और पैरामीशियम, इसमें किसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टू डॉटर ऑर्गेनिज्म ऑफ इक्वल साइज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन पेरेंट बाय द डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी होती है जो धीरे धीरे किसमें डिवाइड हो जाती है, दो डॉटर बॉडी में डिवाइड हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। ईच डॉटर ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज बिफोर डिवाइडिंग अगेन। और सबसे पहले वो डिवाइड होने से पहले इंडिविजुअली वो पहले क्या हो जाती है, अच्छे से ग्रो हो जाती है, उसके बाद ही वो एक दूसरे से अलग होती है। बाइनरी फ्यूजन मीन्स स्प्लिटिंग इन टू। बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या है? दो भागों में बंटना। नेक्स्ट है बर्डिंग। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मीन्स जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देख सकते हैं, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, सच एज ईस्ट,
रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। तो ईस्ट में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है? बडिंग के द्वारा। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अ स्मॉल आउटग्रोथ अपीयर ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसमें एक छोटा सा पार्ट निकलता है जिसको कि हम बड कहते हैं। दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड बड। दिस बड कीप ऑन इंक्रीजिंग इन साइज। ये बड जो है धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो यहां आप देख रहे हैं बडिंग इन ईस्ट को शो किया इस पिक्चर के थ्रू। सो यहाँ पे ये क्या निकला है, छोटा सा पहले एक एक्स्ट्रा पार्ट निकल गया है, फिर वो धीरे धीरे क्या हो गया है, बड़ा हो गया और वो इस तरीके से सेपरेट हो गया है। दिस बर्ड कीप ऑन इंक्रीजिंग इन साइज एंड सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। समटाइम्स इट नेवर सेपरेट्स। कभी कभी वो सेपरेट नहीं भी होती है और उसी से अटैच रहती है। Sometimes it never separates and a chain or colony of interconnected organism is formed. तो कभी कभी वो separate नहीं होती और इस तरीके से chain का form ले लेती है। Next है spore formation. Mushroom, moles, ferns and mosses reproduce by spore formation. The spore is a small single sized reproductive body. Spores क्या होते हैं? छोटे छोटे reproductive cell होते हैं which is covered by a thick and hard protective coating, जिसके ऊपर एक बहुत ही मोटा सा protective coat बना हुआ रहता है। This thick and hard protective coating enables the spores to withstand unfavorable condition. वो उसे हर condition में stand करने के लिए help करता है। When the condition become favorable, जब condition favorable हो जाती है, the thick coating break open, तो thick coating क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, ओपन एंड द स्पोर्स जर्मिनेट। और स्पोर्स क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। स्पोर्स आर सो लाइट दैट दे कैन फ्लोट थ्रू द एयर टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। स्पोर्स इतने लाइट वेट होते हैं कि वो इजीली हवा के साथ बिल्कुल फ्लो कर जाते हैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में। एंड जर्मिनेट वेन एवर दे गेट फेवरेबल कंडीशन। और जहां उन्हें एक अच्छा सही कंडीशन मिलता है वहां वे जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। सम लोअर प्लांट्स सच एज स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू फ्रेगमेंटेशन। तो स्पायरोगायरा में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है? फ्रेगमेंटेशन का। द लॉन्ग रिबन लाइक और फिलामेंटियस बॉडी ब्रेक अप इंटू टू और मोर पार्ट कॉल्ड फ्रेगमेंट्स। तो रिबन लाइक बॉडी रहती है इनकी जो दो भागों में बढ़ जाती है जिसे क्या कहते हैं? फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ईच फ्रेगमेंट देन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। और उसके बाद हर एक फ्रेगमेंट जो है वो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको स्पायरोगायरा का फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस बताया गया है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बॉडी पार्ट्स और ग्रोइंग अ लॉस्ट पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो ग्रो होने का वो प्रोसेस जिसमें एक फुल ऑर्गेनिज्म से डिवाइड हो जाते पार्ट में और फिर जो डिवाइड पार्ट है वो फुल पार्ट में ग्रो होता है उसे रीजनरेशन कहते हैं। अ स्मॉल टिश्यू फ्रॉम द बॉडी कॉलम ऑफ हाइड्रा ग्रोस इनटू अ हाइड्रा। जनरेशन इज मोर कॉमन इन रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल अर्थवर्म्स लिजार्ड एंड फिश। तो इस तरीके का रिप्रोडक्शन किस किस में होता है? अर्थवर्म में, लिजार्ड में और फिश में। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन सम प्लांट्स वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट्स स्टेम एंड लीफ कैन बी यूज्ड टू रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो कैसे होता है? इसमें रूट स्टेम या लीफ किसी भी पार्ट से रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। द पार्ट विच गिव राइज टू न्यू प्लांट्स कॉन्टेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो वो पार्ट जिससे नया प्लांट ग्रो करता है उसे क्या कहते हैं? उसमें क्या रहता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहते हैं विच हैव द डिवाइडिंग प्रॉपर्टी, जिसमें डिवाइडिंग प्रॉपर्टी होती है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड कैन बी डन बाय नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल मेथड। दोनों ही मेथड से इसको किया जा सकता है। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।